हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए ये बुटीस लेकर आई हूँ। वुमेन बुटीस है ये, तो के लिए है ये मुझा, और बहुत ही सिंपल और इजी है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये बनने के बाद। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे इसके यहाँ पे इसे घुमाएंगे ऊन को, और ये देखिए इस तरह से रखेंगे। अब इसके बीच से हम उनको निकालेंगे इस तरह से। अब उनको यहाँ पे पकड़ लेंगे, हम चैन बनाएंगे 1 2 3 3 चैन बना के अब हम यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बीच से। तो एक हो गया, इसी भी साथ भी गिनेंगे 1 और 2 2 हो गया, 3 4 5 6। इसी तरह हम यहाँ पे जो है टोटल जो है मैं यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाना है इसके बीच से। फिर इसके आगे दिखाती हूँ मैं आपको बना के। ये देखिए यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बना ली हूँ मैं इसके बीच से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब हम इसे देखिए इसे खींच लेंगे, इस उनको टाइट कर लेंगे इसे अच्छे से। और अब हम यहाँ पे देखिए 1 2 तीसरे चैन में डालेंगे स्लिप स्टिच। फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 चैन लेंगे और इसी जगह पे एक और डाल के बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक हो गया। फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक, फिर से इसी जगह बनाएंगे 2। तो कुछ नहीं करना है, बाकी हर एक चैन में जो है 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह राउंड कंप्लीट करेंगे बना के पूरा। ये देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया मेरा, 1 2 3 तीसरे चैन में डालेंगे एक स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चैन लेंगे, दो चैन बनाएंगे 1 2 दो चैन बना के हम देखिए यहाँ पे बनाएंगे एक, एक और बनाएंगे इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में से। फिर दूसरे में बनाएंगे एक, फिर उसके बगल में जो है चैन हमारा उसमें 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। पहले तो हम एक फिर 2 फिर एक फिर 2, इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे राउंड बना के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है इस तरह से ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर ली हूँ बना के। अब हम यहाँ पे देखिए 1 1 2 और तीसरे चैन में डालेंगे एक स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे और 2 चैन बनाएंगे 1 2 2 चैन बना के हम। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे हर एक चैन में जो है एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। ये देखिए इसी तरह से कुछ नहीं करना, एक एक डबल क्रोशिया हर एक चैन में बनाएंगे। इसी तरह हम 2 राउंड बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है इस तरह से 2 लाइन जो है एक एक डबल क्रोशिया करके बना ली हूँ। और अब हम यहाँ पे देखिए व्हाइट ऊन को ज्वाइन करेंगे, और इस वाले ऊन को टाइट कर लेंगे खींच लेंगे। यहाँ पे चैन बनाएंगे 2 पहले 1 और 2 2 चैन बना के इस वाले ऊन को टाइट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए बनाएंगे यहाँ से हम
एक, फिर से एक बनाएंगे इसी जगह से, दो, इसे की निकालेंगे नहीं अभी, और एक, तीन, अब इसे एक साथ निकालेंगे और इस तरह से बंद करेंगे क्लोज। फिर अब यहाँ पे वन चैन स्किप करके दूसरे वाले में बनाएंगे, एक, दो, तीन, इसे बंद करेंगे और इसी तरह बनेगा। फिर से हम वन चैन स्किप और दूसरे में बनाएंगे, सेम चीज रिपीट करेंगे, यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया निकालना है, वो भी पूरा नहीं, इस तरह से देखिए दो हो गया, तीन, और अब इसे एक साथ बंद करेंगे इस तरह से, देखिए। तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे बना के, फिर उसके आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इस तरह से बना के कंप्लीट कर लूँ राउंड, और अब हम यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर देंगे इस जगह पे, इसे स्लिप स्टिच करते हुए, और अब हम ऊन को यहाँ पे लेकर आएंगे स्लिप स्टिच करके बीच में इसके। फिर हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ब्लू ऊन को लगाएंगे इस दूसरे कलर को, इसे टाइट कर लेंगे व्हाइट वाले को, और दो चैन लेंगे, वन, टू। फिर से हम देखिए सेम चीज रिपीट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यही चीज हम यहाँ से देखिए बीच से बनाएंगे, एक हो गया, दो, तीन, अब इसे एक साथ बंद करेंगे, चैन लेंगे इस तरह से, फिर से यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इस जगह बनाएंगे अब थ्री बार, एक, दो, तीन, बंद करेंगे, फिर से एक, दो, तीन, ये देखिए इस तरह से, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल इसे बनाना। आप अपने पैर का नाप ले लें, उस हिसाब से आप अपना इसकी लंबाई जो है रखें, और मैं यहाँ पे 9 राउंड बनाऊंगी, तो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ पूरा, टोटल कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरह बनेगा, तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ पूरा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है राउंड जो है पूरा कंप्लीट कर ली हूँ बना के, और यहाँ पे मैं 10 राउंड बनाई हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 राउंड बना ली हूँ। और अब हम यहाँ पे देखिए ऊन को, इस दोनों ऊन को काट देंगे, वो इसे कट कर लेंगे इसे, और इस व्हाइट वाले को भी काट देंगे, और अब हम यहाँ पे देखिए इसे इस तरह से पकड़ लेंगे इसे, इस तरह से पकड़ लेंगे, कर लेंगे, और इसे हम देखिए ये चीज जो है हमारा, एक और दो यहाँ पे भी इधर छोड़ेंगे, और एक और दो इस तरफ बीच का हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से हम उठाएंगे, बनाएंगे डबल कुर्सियाँ, यहाँ से डालेंगे कुर्सियों को बीच से, दो चैन लेंगे, वन और टू, दो चैन लेके इसमें डालेंगे, देखिए ये चैन है पास में जो, उसमें डाल के डबल क्रोशिया लेंगे, और फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे इस जगह पे, एक, और यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक यहाँ पे बनाएंगे बीच में बनाएंगे, और एक इस जगह से बनाएंगे, एक इसके बीच से बनाएंगे डबल क्रोशिया, और जो एक यहाँ पे चैन है वहां से बनाएंगे उस जगह से, ठीक है। दो दो डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस यहाँ पे,
एक और दो, दो, ये देखिए इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखिए यहाँ तक लेकर आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ यहाँ पे लेकर आएंगे, इसे छः स्किप करेंगे छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ तक लेकर आएंगे बना के। फिर उसके आगे दिखाती हूँ मैं आपको बना के। ये देखिए यहाँ पे मैं बना ली हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चीज स्किप कर दी हूँ इसे। और फिर से अब हम यहाँ पे देखिए दो चैन लेंगे, वन और टू, और इसे घुमा लेंगे, टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम देखिए इसी जगह बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक, फिर अब अभी हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चैन में। ये देखिए इसी तरह हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, टोटल हमें यहाँ पे सेम इसी तरह हमें यहाँ पे नाइन डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी नाइन राउंड बनाएंगे, नौ राउंड बनाएंगे। फिर इसके आगे मैं दिखाती हूँ आपको बना के। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जो है ये नाइन डबल क्रोशिया बना ली हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ बना ली हूँ, कंप्लीट कर ली हूँ। अब हम यहाँ पे देखिए इसे सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे उल्टा कर लेंगे इसे, हम उल्टे पकड़ के सिलेंगे इसे, सिलाई करेंगे इसे, इसकी उल्टी सिलाई करेंगे इस तरह से। आप इसे चाहे तो सुई की मदद से सिल सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रोशिया से बता रही हूँ आपको सिलना। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को, और इस तरह से देखिए इसे स्लिप स्टिच करेंगे और इसे बराबर करके पकड़ लेंगे। और इस तरह से स्लिप करते जाएंगे, चैन में डालेंगे क्रोशिया को इस दोनों, और इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे डालेंगे इसे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा सिल आ गया। अब हम इसे मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसी तरह एक और बना लेंगे, और मैं यहाँ पे एक फ्लावर लगाऊंगी छोटा सा बना के। ये इस तरह से यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे इस साइड, और इसके ऊपर आप मोती लगा सकते हैं, मोती लगा देंगे गुड़िया एक तो और प्यारा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसी तरह हम सेम इसी तरह एक और बनाएंगे दूसरे पैर का, फिर मैं आपको पूरा दोनों बना के दिखा रही हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे मैं बना के पूरा कंप्लीट कर ली हूँ दोनों पैर का, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी बनता है, बन के कम्प्लीट होता है ये। और आप बनाइए ज़रूर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।